मैंने डिवोर्स के लिए क्यों अप्लाई किया, प्रिंस से दूसरी शादी क्यों की, मेरी IVF की स्टोरी क्या रही, यूट्यूब से मेरी कितनी इनकम है, ये मेरी लव मैरिज थी। डिप्रेशन इतना था कि बुरे से बुरा अगर आप अपने लिए सोच सकते हो ना कि वही मैं करना चाहती थी अपने लिए। जेलेसी, पॉलिटिक्स। हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ कुछ स्पाइसी क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, मतलब क्वेश्चंस आपके एंड जवाब मेरे। कई बार एंड कई सालों से आप कुछ सवाल जो बार बार रिपीटेडली मुझसे पूछते आए थे, लेकिन मैं जवाब देने से बचती आई थी। लेकिन इस बार आज के इस वीडियो में मैं फाइनली आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। देखो, भले ही मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरी पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पे है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने प्राइवेटली रखी हैं। मैं सबको सब कुछ नहीं बताती सोशल मीडिया पे, हर चीज आपको मेरे बारे में नहीं पता। मैं कतराती हूँ और बचती हूँ बताने से। मुझे लगता है लिमिटेड चीजों के बारे में ही लोगों को पता रहे तो सही है, वो ज्यादा पर्सनल नहीं बताना चाहिए। लेकिन फिर लगता है कि यार, जब सोशल मीडिया पे है ही, जब इतने सारे देखने वाले चाहने वाले हैं, इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट आते हैं आप लोगों के, तो कभी कभी आपके कमेंट्स पढ़ करके सच में रोना आ जाता है। तो लगता है कि क्यों छुपाना, चलो बता ही देते हैं। पर फिर भी कुछ ऐसी कुछ एक आध बातें मैं होल्ड करके रखूंगी, नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि वो बताने से कोई और इफेक्ट हो जाएगा। तो जो बताने से कोई और इफेक्ट ना हो, वो सारी चीजें तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। आप देख रहे हैं नेचुरल, मैं हूं रेखा। आज मैं आपके साथ खोल दूंगी सारे राज। लेट्स गेट स्टार्टेड। पता है, जब मैंने 2017 में यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था, मैंने फिर कुछ टाइम में व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, एंड व्लॉग में मैं चाहती थी अपने बारे में बताना, तो मैंने अपने बारे में वो एक चीज बता दी लोगों को जो बहुत ज्यादा पर्सनल थी। मतलब मेरी शादी में कुछ खटास आई थी जिसके बारे में मैंने रिवील कर दिया। अकेले नहीं, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, फ्रेंड्स, उनके साथ मैंने रिवील किया था। और वीडियो डालते ही कुछ ही में 10 लाख व्यूज आ गए थे, एंड उस टाइम सब्सक्राइबर इतने नहीं थे और व्यूज इतने ज्यादा आ गए थे। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था यार, मैंने कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं बता दी, मुझे इतना तो नहीं बताना चाहिए था। तो फिर बाद में मैंने वो वीडियो हाइड कर दी थी, क्योंकि इतना ज्यादा बताना भी सही नहीं रहता है। तो मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो बार बार मुझे कॉमेंट करके पूछते हैं कि दीदी वो वीडियो क्यों हटाई आपने। और जिनको नहीं पता, जिनको बस इतना पता है कि मैंने वो वीडियो डाली थी, वो मुझसे पूछते हैं कि क्या रीजन था कि आपने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। मैं कैसे बताऊं क्या रीजन था। किसी भी कपल से आप मन करता है ना, जब आजकल तो यूट्यूब पे बहुत ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, चाहे सेलिब्रिटी हो या कपल हो, आए दिन लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं। तो इस बारे में मेरा मानना ये है कि अगर दो लोग, उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, साथ नहीं रहना चाह रहे, तो उनको अलग हो जाना चाहिए। पहले अपनी पूरी कोशिश कर लो। ऐसा नहीं कि आपका मन करे डिवोर्स लेने का, आप डिवोर्स ले रहे हो, आप पहले पूरी कोशिश कर लो। और अगर बात नहीं बन रही है, टाइम दे दो या कम से कम एक आध साल दे दो, नहीं बात बनती है तो प्लीज अलग हो जाओ और अपने जोन में, कम्फर्ट जोन में अपनी जिंदगी को जियो। जिंदगी एक बार मिलती है और अच्छे से जियो। डिवोर्स लेके जीना है, आप लेके जियो, पर सुखी रहो, पछतावा ना हो आपको किसी चीज का। तो मेरा तो ये मानना है और शुरू से मैं यही मानती हूँ। तो जब मेरी शादी हुई फ्रेंड से, तो स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जब अचानक से मैं दिल्ली से मुंबई आ गई, मेरी जॉब चली गई, मैं यहाँ किसी को जानती नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, जो है माई बाप सब फ्रेंड्स है, एंड बहुत सारी चीजों में मेरी सोच अलग, एकदम अलग, ईस्ट और वेस्ट की सोच हो गई थी, हमारी पर्सनैलिटी एकदम अलग थी। तो ऐसे में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझना और इतने सारे चेंजेस को देखना, और मेरे से नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं फ्रेंड से भी नहीं हो पा रहा था। तो हमारे बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते थे, रोज झगड़े होते थे, समझ ही पाते थे एक दूसरे को। और प्रिंस का प्रोफेशन भी ऐसा है कि फिर मुझे भी कहीं ना कहीं डाउट होता था और अजीब सा ही लगता था। बल्कि एक चीज तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन बस ये था, मेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। और मेरा मानना ये था कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो भाई मुझे नहीं रहना है। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे नहीं रहना है। और एक दिन झगड़ा हुआ, मैंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और मैं दिल्ली चली गई अकेले। फर्स्ट टाइम था मेरे लिए ऐसे ट्रैवल करना, एंड 2 महीने तक मैंने प्रिंस से कोई बात नहीं की। एंड इस 2 महीने में हमने डिवोर्स के लिए अप्लाई भी कर दिया था, हमने नहीं, मैंने अप्लाई कर दिया था। एंड फिर कोर्ट वगैरह के चक्कर वक्कर भी हमने काटे, लेकिन उन 2 महीनों में मेरे को ऐसा रियलाइज होने लग गया कि मैंने इस शादी को ज्यादा टाइम दिया ही नहीं। मतलब शादी हुई, शादी के शायद 2-3 महीने बाद ही मैंने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। मुझे लगा कि मुझे शायद और टाइम दे देना चाहिए था, क्योंकि आई वॉज मिसिंग हिम बैडली। मुझे लगा कि मैं नहीं रह पाऊंगी, हो ही नहीं पा रहा था। तो उन 2 महीने में एक दूसरे से दूर होने के बाद रियलाइज हुआ कि करते हैं यार, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हैं। पहले लगता था कि एडजस्टमेंट करके कोई तुम्हें बदल के प्यार करे तो क्या प्यार है, पर फिर लगा कि यार, अगर मेरे किसी चीज को इग्नोर करने से, थोड़ी चीज एडजस्ट करने से, अकेले मेरी नहीं, फ्रेंड्स के भी करने से, अगर दोनों थोड़ा थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करेंगे, तो शायद हम जो हमारा
प्यार है वो जो खत्म हो ही नहीं रहा है कि वो तो था ही मन में, तो कर पाएंगे कुछ ना कुछ, और अगर नहीं कर पाए तो फिर वापस आ जाऊंगी, मैंने सोच रखा था एक मौका और देते हैं इस रिश्ते को। तो मैंने एक मौका और दिया, तो डिवोर्स के लिए जो अप्लाई किया था वो विदड्रॉ कर लिया। ऐसा नहीं होता कि आप आज डिवोर्स के लिए अप्लाई करो आज डिवोर्स आपका हो जाता है, नहीं, आपकी काउंसलिंग वगैरह होती है एंड इट टेक्स टाइम। सो मैंने डिवोर्स के लिए विदड्रॉल ले लिया। उसके बाद दोबारा से मैं प्रिंस के साथ मुंबई आई, हम दूसरे किसी किराए के घर में शिफ्ट हुए, अपनी जिंदगी को फिर से स्टार्ट किया। और ऐसा नहीं है कि वापस आकर के सब एकदम स्मूथ हो गया, नहीं, फिर भी लड़ाई झगड़े बीच बीच में होते रहे, लेकिन फिर कोई ना कोई एक झुक जाता, कभी मैं झुक जाती, कभी प्रिंस झुक जाते, क्योंकि डर था कि भाई फिर से वही सब ना देखना पड़े। तो दोनों ने धीरे धीरे एडजस्टमेंट की एंड आज आप देख रहे हो हमारी शादी को कितने साल हो गए, 11-12 साल तो हो गए। भूली गई मेरी शादी 2012 में हुई थी या 13 में हुई थी, आई थिंक 13 में हुई थी, तो देख लो कितने साल हो गए। तो हम साथ हैं एंड आई एम हैप्पीली मैरिड। लड़ाई अब भी होते हैं बट दोनों में से कोई एक चुप हो जाता है उस टाइम, उस मोमेंट को, उस टाइम को जाने देता है एंड जब सब शांत हो जाए तो फिर हम इस बारे में बात करते हैं। तो यस, I had applied divorce, लेकिन हम वापस आ गए। अभी अगर मेरे सब्सक्राइबर्स में से भी कोई डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है ना, तो एक बार मौका जरूर देना, ठीक है? और आपको लगे बार बार मौके देने के बाद भी बात नहीं बन पा रही, तो जबरदस्ती के घुटन वाले रिश्ते में मत रहना, ले लेना डिवोर्स भाई। अब आपका दूसरा सवाल कि मैंने दूसरी शादी प्रिंस से क्यों की, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैंने पहली शादी क्यों की और किससे की, पर ये दूसरी शादी क्यों हुई। तो देखो, मैं तो नहीं मानती बट मेरी मम्मी बहुत ज्यादा मानती है एंड हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर आप मांगलिक होते हो तो पहली शादी आपकी किसी और से कराई जाती है, फिर वो उसके बाद दूसरी शादी आपकी मेन लड़के से कराते हैं। तो मेरी भी पहली शादी किसी और से कराई गई एंड वो एक प्लांट था। आपके यहाँ होता है ऐसा तो कमेंट करना, कई न्यूज में तो मैंने देखा कुत्ते बिल्ली से भी शादी कराते हैं पहली। थैंक गॉड किसी एनिमल से नहीं कराई, एनिमल को पति देव बोलना अजीब लगता, पता नहीं मेरा पहला पति कहाँ है अभी। और प्लांट में मेल फीमेल कैसे उन्होंने देखा अजीब है। तो हाँ, घर वालों ने जबरदस्ती पहली शादी पौधे से करा दी, मैं विश्वास नहीं करती बट ठीक है। तो उसके बाद दूसरी शादी मेरी फ्रेंड से कराई, तो इज माय सेकंड हस्बैंड, बट बहुत वियर्ड लगता है सोच करके दो बार शादी। तीसरा सवाल, मेरे IVF के बारे में लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, क्योंकि मेरी शादी के 10 साल बाद हमने बेबी प्लान किया। 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि मेरी बहुत कच्ची उम्र में शादी हो गई थी। मेरी शादी जब हुई थी तो मैं कॉलेज कर लिया था मैंने, और अच्छा खासा टीचिंग एक्सपीरियंस भी था मेरे पास, तो ठीक एज में मेरी शादी हुई। एंड 10 साल हमने इसलिए वेट किया क्योंकि देखो, अपना सब घर बार कार बंगला सब दिल्ली में छोड़ करके हम यहाँ पे आए, हमने जीरो से स्टार्ट किया। जब हम यहाँ आए तो हमारे पास सोने के लिए एक चादर मैट्रेस तक नहीं था, हम अपने घर से अपने सिर्फ कपड़े ही लेके आए थे और कुछ नहीं लेके आए थे। फर्स्ट पे सोए थे हम पहला दिन, कुछ नहीं था हमारे पास, किराए का घर था जिसका रेंट 7,000 देते थे, तो कुछ था ही नहीं। तो फिर बेबी को ला करके उसको ऐसी लाइफस्टाइल मुझे नहीं देना था, तो हमने अपने ऊपर काम किया, बहुत सारी चीजें ट्राई की एंड प्रिंस ने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया, एड्स में काम किया, मैंने अपना टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया, मैं बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाया करती थी, अच्छे अच्छे स्कूल्स में मैंने मुंबई में पढ़ाया। फिर धीरे धीरे और भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया, प्रिंस ने योगा क्लासेस देनी स्टार्ट की, और मुंबई में योगा का बहुत अच्छा खासा स्कोप है, और कहीं नहीं है बट मुंबई में है। उसके बाद धीरे धीरे फिर यूट्यूब करना स्टार्ट किया, फिर और भी आगे बहुत इन्वेस्टमेंट वगैरह की, तो धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी। और ये सब होने में लगभग 10 साल लग गया। 10 साल बाद फिर रियलाइज हुआ कि अब और कुछ नहीं चाहिए, इंसान बहुत लालची होता है, ये आने के बाद वो आ जाए, वो आने के बाद ये आ जाए, सोचता ही रहेगा, इतने में मेरी उम्र निकल जाएगी, मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक भी आगे बढ़ रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि फाइनली बेबी प्लान करते हैं, और बेबी प्लान किया, ठीक है, बट मैंने IVF के लिए ट्राई नहीं किया। लोगों को लगता है कि 10 साल बाद आपने बेबी प्लान किया है तो IVF आपने ट्राई किया क्योंकि बेबी आपका हो ही नहीं रहा था। भाई हम प्लान ही नहीं कर रहे थे, वी वर यूजिंग प्रोटेक्शन, हम नहीं चाहते थे उस टाइम पास बेबी हो, तो नो IVF, नेचुरली मैंने कंसीव किया है। पर अगर किसी की IVF से डिलीवरी होती है तो लोग उसको ऐसी नजर से देखते हैं कि हाँ ये तो बच्चा नहीं कर पा रही थी, तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी है, अप्रिशिएट करना चाहिए यार। हर महीने एक होम टूर की वीडियो आ जाती है, आखिर कितने घर हैं आपके पास, इतने पैसे आ कहां से रहे हैं? तो ऐसे सवाल भी आते हैं मुझे। मेरे चैनल पे बहुत सारे होम टूर की वीडियो है, अगर आप मेरा ब्लॉग चैनल देखोगे विच इज मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहां मैं अपने हस्बैंड एंड बेटी के साथ अपनी लाइफस्टाइल जर्नी दिखाती हूं एंड आई एम 8 मंथ प्रेग्नेंट ऑल्सो। अभी वीडियो जब तक लाइव जाएगी तो 9वां महीना भी स्टार्ट हो जाएगा, मे बी डिलीवरी भी हो जाए क्योंकि अगले महीने डिलीवरी होने वाली है। तो डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग चैनल। तो मैंने जो इतने सारे घर दिखाए ना, मैं बता देती हूँ, है घर, एक मैंने होम टूर दिया था मेरे मायके के घर का जो नया बना था, उसके बाद मैंने होम टूर दिया था मेरे ससुराल का कैसा है, ठीक है, उसके बाद मेरे ससुराल में मतलब हर किसी के लिए फ्लोर डिवाइडेड
थे, ठीक है, पापा जी ने सबके लिए फ्लोर बना दिया था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, लेकिन हम लोगों के लिए कोई फ्लोर नहीं बनवाया था क्योंकि हम लोग मुंबई में रह रहे थे। तो अब उन्होंने नहीं बनवाया था तो हमें तो बनाना ही था, तो हमने वो फ्लोर बनवा दिया। तो उसका होम टूर एक एम्प्टी दिया और एक बनने के बाद दिया, अब एक और दूंगी जब मैं वहां पहुंच जाऊंगी। तो कई लोगों का ये भी था कि आपने सिर्फ अपना ही फ्लोर क्यों बनाया, बाकी लोगों का क्यों नहीं बनाया। भाई बाकी लोगों का ऑलरेडी बना हुआ था, हमारा ही फ्लोर नहीं बना हुआ था इसीलिए हमें अपना बनवाना पड़ा, ठीक है। एंड तो एक वो वाला घर हो गया। उसके बाद हमने अभी उसके बाद इस घर का भी होम टूर हमने दिया होगा। तो ये हमारे किराए का घर है मुंबई में और ये अपना घर नहीं है, और अपना घर नहीं है इसीलिए हमने खुद का घर मुंबई में खरीदा है क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं। तो मुंबई में हमने ओबेरॉय फ्लैट खरीदा है 3 BHK का, बहुत महंगा है, बहुत लग्जूरियस है, बहुत अच्छा है, बहुत ब्रांड। वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी अपना घर खरीदा है, जितने भी नामी सेलिब्रिटीज है ना उन्होंने वहाँ घर लिया है। कौन कौन से है इसका पूरा डिटेल मैं ब्लॉग में शेयर करूंगी, तो वो जरूर देखना आप। तो इसलिए इतने सारे होम टूर की वीडियो आपको दिख जाती है, और होम टूर में हम कभी खाली बेडरूम का टूर दे रहे होते हैं, कभी लिविंग रूम का, कभी डाइनिंग रूम का, कभी किचन का, कभी बाथरूम का। तो इसलिए वीडियोस बहुत सारी ऐसे नंबर ऑफ वीडियोस आपको दिखती हैं, तो लगता है कि कितने घर हैं। घर उतने ही जितने सबके होते हैं, मायका, ससुराल और अपना खुद का घर। और एक हमने प्रॉपर्टी भी ली है, खाली प्रॉपर्टी, उसका भी टूर दिया था। तो फ्री के तो घर है नहीं और काला धन हमारे पास है नहीं, बहुत मेहनत की है तब जाके अचीव कर पाए हैं। आए थे मुंबई में कुछ नहीं था, चटाई तक नहीं थी, और अब इतना कुछ कर पाए हैं, तो बस ये सब ट्रू हार्डवर्क की वजह से हो पाया है, ठीक है। मैं हार्डवर्क नहीं करती, आप लोग नहीं आते देखने के लिए, एंड वी हैव अदर सोर्सेज ऑल्सो जिसके बारे में ब्लॉग पे शेयर करेंगे, सो डू वॉच माई ब्लॉग। अगला स्पाइसी क्वेश्चन है कि यूट्यूब से आखिर आप कितना कमा लेते हो, कितनी अर्निंग है जो इतने घर आपने बना रखे हैं। तो यूट्यूब से अर्निंग बहुत अच्छी खासी लोगों की होती है, जिनके बहुत अच्छे खासे व्यूज आते हैं, जिनकी जनता उनको बहुत ज्यादा प्यार देती है। मेरी जनता ने शुरू से मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है, लेकिन अभी थोड़े व्यूज फ्लक्चुएट कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट्स आ गए हैं एंड शॉर्ट्स पे उतने एड्स नहीं आते, एंड यूट्यूबर की मेन अर्निंग एड्स एंड स्पॉन्सर वीडियोज के थ्रू होती है। तो जिस महीने मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ उस महीने मेरा अच्छा खासा चल रहा है, जिस महीने नहीं कर रही हूँ तो एड्स उतना ज्यादा नहीं आ पाता है क्योंकि व्यूज ही फ्लक्चुएट करते रह जाते हैं। तो किसी भी यूट्यूबर की इनकम फिक्स नहीं रहती। अगर आपके व्यूज फिक्स हैं कि आपके 5 मिलियन हर वीडियो पे आ रहे हैं, तब तो आपकी अर्निंग फिक्स है कि भाई यू आर अर्निंग इन लाख। पर अगर आपके व्यूज उतने नहीं हैं, अच्छे मिलियंस में नहीं है, सिर्फ लाखों में ही है, तो यू आर नॉट अर्निंग दैट मच गुड। तो जब मेरी अर्निंग ही फिक्स नहीं है सो आई कैन नॉट शेयर, बट हाँ मेरी एक्सपेंडिचर जरूर फिक्स है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। सो एक्सपेंडिचर की बात करें तो लमसम मैं आपको बता देती हूँ, इस घर का रेंट हर महीने जनवरी से 1 लाख रुपए जा रहा है। जब यहाँ आए थे तो 57,000 रेंट हम पे करते थे, पर धीरे धीरे अब रेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। मुंबई में रेंट का बिजनेस बहुत अच्छा है सच में, क्योंकि यहाँ मेट्रो बनी है, इसकी वजह से रेंट बहुत ज्यादा हो गया, और इतना रेंट पे नहीं करना चाहती थी मैं, इसीलिए हमने अपना खुद का घर ले लिया है। तो अब रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। हमारे घर का इंटीरियर चल रहा है, 1-2 महीने में मे बी इंटीरियर हो जाए तो हम वहाँ शिफ्ट कर जाए, और वो घर बहुत प्यारा हम बनाने वाले हैं। तो कैसे बना, खुद इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं हम, किसी डिजाइनर को हायर नहीं किया है। तो आप हमारी वीडियोस को देखोगे तो आपको भी आइडियाज मिलेंगे अगर खुद से डिजाइन करना चाहोगे तो, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर बहुत अच्छा खासा पैसा आपसे ले लेते हैं, काम भी बहुत अच्छा देते हैं, बट अगर एक्स्ट्रा पैसे नहीं है तो आप कर सकते हो। अभी घर में इतने पैसे लगे, डिजाइनर के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, खुद से ही कर रहे हैं, बहुत सुंदर बन रहा है घर। सो 1 लाख रेंट हम यहाँ का भर रहे हैं, प्लस 1 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं खाने पीने, ग्रोसरी में, या वीडियो से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हर महीने हम मंगाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांड ही चीजें भेज रहा है तो मैं दिखा रही हूँ, नहीं, हम बहुत सारी चीजें खुद से मंगाते हैं, ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, एंड उसका रिव्यू मैं करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। एंड लगभग 1 लाख रुपए के पास खर्च हो जाते हैं ऑन आवर स्टाफ, वी हैव स्टाफ, वी हैव टीम फॉर एवरीथिंग। जब मैंने यूट्यूब करियर स्टार्ट किया तो मैं सब कुछ खुद करती थी, एडिटिंग, शूटिंग, स्क्रिप्टिंग, असिस्टिंग माई सेल्फ, एवरीथिंग इज डन बाई मी एंड माई हस्बैंड, हम दोनों मिलकर के क्या करते थे। बट धीरे धीरे, मतलब पिछले आई थिंक 3 साल से लगभग, वी हैव हायर्ड स्टाफ, सो आई हैव समवन टू एडिट माई वीडियो, आई हैव समवन टू शूट माई वीडियो, I have people to assist me in my videos. So, but then again, I want to hire more people. तो अगर आप interested हैं मेरे साथ काम करने के लिए तो आप apply कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी skill हो, shooting की, editing की, और helping की, assistant की, script writing की, सारी script मैं खुद करती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ, लिखती हूँ अपने सारे, एक एक वीडियो का एक एक पॉइंट मेरा होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स स्क्रिप्ट राइटर हायर करते हैं, मैंने भी सोचा कर लेते अगर कोई हो तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो जो मेरी हेल्प करना चाहता हो तो डू अप्लाई। मेरे चैनल के अबाउट में मेल आईडी है, वहां से यू कैन अप्लाई मी, अगर हमें लगेगा कि आप सफिशिएंट है, हम अच्छे से काम कर सकते हैं, हमारी वाइब मिलती है, तो वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। तो लम सम में बोलूं तो 3 लाख खर्चा तो हर महीने होता ही होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए अगर इफ आई हैव स्पॉन्सर्स कमिंग ऑन माय चैनल तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आते तो वी हैव टू रिलाई ऑन एड्स, अदरवाइज वी हैव अदर अर्निंग ऑप्शंस आल्सो, वी हैव डन सो मेनी इन्वेस्टमेंट एंड बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे इजी मनी हो सकता है जो हम करते हैं, लेकिन इसके बारे में कभी शेयर नहीं किया है, बट नाउ आई एम प्लानिंग यार शेयर करना चाहिए, सबको पता होना चाहिए ताकि आप भी ऐसा कुछ कर पाओ। तो अगेन इसके लिए
लिए यू नीड टू वेट एंड वॉच आवर व्लॉग, ठीक है। मैं बहुत सारे रीजंस आपको दे रही हूँ ताकि आप मेरा व्लॉग देखने आओ, ताकि आपको भी अगर मैंने ग्रो किया है तो आप भी ग्रो कर पाओ। आई रियली जेन्युइनली वॉन्ट माई व्यूअर्स टू ग्रो इन देयर लाइफ, मतलब मैंने देखी है ग्रोथ, आई हैव सीन ग्रोथ एंड बहुत ज्यादा हार्ड। अगर आप कुछ करना चाहते हो उसके पीछे पैशनेटली पड़ जाओ। आपके लिए कोई संडे नहीं होना चाहिए, कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बस उस काम से आपको प्यार होना चाहिए। आप दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको रोक सकती है। वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, आप अगर किसी को चाहो तो सब पूरी कायनात उसको मिलाने में पीछे पड़ जाती है, दिस इज ट्रू। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं ना, अगर मैं काश खुल के आपको बता पाती तो आपको समझ आता कि ये बात मेरे लिए कितनी एप्लीकेबल है। ऐसी बहुत सारी चीजें थी मेरी लाइफ में जो कभी मेरी हो ही नहीं सकती थी, लेकिन मैं पैशनेटली पागलों की तरह उस चीज के पीछे पड़ गई तो पड़ गई, फिर मिल गई। तो inspired by me and watch my vlog guys, I'll share everything, I promise. Okay, now let's talk about my postpartum depression. अब ये भी ऐसी चीज है जिसके बारे में मैंने कभी यूट्यूब पे शेयर नहीं किया। तो जब हमारा हो गई थी तो मैंने सुना था पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, women अक्सर सैड हो जाती हैं, वो अपने अपना ही नुकसान करने बैठ जाती हैं, बहुत ही बुरे बुरे ख्याल मन में आते हैं, टू यू नो समझ जाओ, मैं बोलना नहीं चाहती नहीं तो गाइडेंस टैग आ जाता है यूट्यूब पे, तो वो सब होता है। पर मुझे लगा नहीं था कि मेरे साथ भी होगा, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहने वाली लड़की हूँ, मेरे पास जो है जितना मैं उसमें खुश रहना पसंद करती हूँ। पता नहीं क्या हुआ, हमारा के होने के बाद मतलब कुछ महीने बाद मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मैं अकेले रहती थी, मैं बहुत ज्यादा रोती थी, मुझे पता नहीं चलता मैं रो क्यों रही हूँ, रीजन क्या है, सब कुछ तो है, बट स्टिल आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। बट समहाउ फैमिली ने मिलकर के बहुत हेल्प की। उस टाइम मैं दिल्ली में थी, तो दिल्ली में मेरी सारी फैमिली थी, तो वहाँ पे फैमिली का सपोर्ट था, तो मैं डिप्रेशन से बाहर निकल करके आ पाई। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, दिस इज फॉर रियल, मैंने सफर किया। अभी सेकंड प्रेगनेंसी में भी होगा, तो प्रिंस को पता है मुझे कैसे हैंडल करना है, वो ऐसा कुछ काम नहीं करने वाले जिससे मेरे को इरिटेशन हो, एंड ही गोना पैम्पर मी फॉर श्योर, क्योंकि लास्ट टाइम में ही फैमिली एंड हस्बैंड ने मिलकर के मुझे बाहर निकाला डिप्रेशन से। बट प्लीज यार, किसी भी औरत की डिलीवरी होती है ना, सब उसके आसपास के लोग उसको बहुत प्यार दो, बहुत पैम्पर दो यार, बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों ये होता है यार, रीजन बिहाइंड आई डोंट नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरी और मेरे और प्रिंस की जोड़ी को देख करके बहुत सारे लोगों को लगता है कि देख करके लगता नहीं है कि आपकी अरेंज मैरिज है, ये तो लव मैरिज ही है, हम बताते नहीं हो। तो गाइज, मैंने यूट्यूब पे माई लव मैरिज, अरेंज मैरिज इससे रिलेटेड पहले भी वीडियोज बनाई होंगी, लेकिन सच्ची बताऊं तभी मैंने खुल करके इसके बारे में बात नहीं की, और आज भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सच अगर मैंने बता दिया ना तो कोई और अफेक्ट हो जाएगा, और मैं नहीं कि कोई मेरा अपना मेरी इस बात से अफेक्ट हो जाए। तो कभी कभी कुछ चीजों के बारे में आप ना ही जानो तो ही बेहतर होता है, ठीक है। अब मैं इतना बोल रही हूँ तो शक तो कर ही लिया होगा पक्का, कुछ तो गड़बड़ है दया, तभी ये नहीं बता रही है। गड़बड़ कुछ नहीं है, बस इतना है कि मैं बताना चाहती हूँ मेरी स्टोरी बहुत ड्रामेटिक, बहुत फिल्मी है, और अगर ये मैं बात बताऊँ पहले तो जो मुझे हमेशा से देखते आए, 2017 से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, अगर आप मुझे तब से देख रहे हो आपको विश्वास ही नहीं होगा मेरी बातों पे, मैं जो बोलूंगी रोलर कोस्टर की स्टोरी है। बहुत गलतियां भी की हैं और कुछ सही फैसले भी लिए हैं, लेकिन मैं फिलहाल तो आपको इसके बारे में चाह करके भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि किसी तीसरे को बहुत बहुत वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, और वो सही समय आने के बाद मैं एक ना एक दिन आपसे ये जो मेरी जो फिल्मी ड्रामेटिक स्टोरी है मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि इस स्टोरी से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सीख मिलेगी। लिटरली आजकल के जो टीनएजर हैं, यंगस्टर हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरी इस मैरिज स्टोरी को जानने के बाद। आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर, बट आज नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार। और अगर कभी बताऊंगी भी तो मैं अपने व्लॉग में ही बताऊंगी, तो एक और रीजन है आपके पास मेरा व्लॉग देखने का, ठीक है। तो डू वॉच दैट, एंड यहाँ तक वीडियो देख ली है, पसंद आई है, आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे स्पाइसी जूसी क्वेश्चंस का आंसर मैं दे चुकी हूँ। एंड गाइज, बस लास्ट में यही बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार देते हो मेरी सारी वीडियोज के नीचे, मतलब लड़कियां मुझे दिल से अपनी बहन मानती हैं, और उनको लगता है कि मैं वही बात बोल रही हूँ जो उनको प्रॉब्लम है वो फेस कर रही होती है, चाहे वो रिलेटेड टू विमेन हेल्थ एंड हाइजीन, ब्यूटी, हेयर केयर से हो। तो हाँ, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ ना, मूल मंत्र मेरा ये होता है कि मैं उस प्रॉब्लम को पहले खुद सोचती हूँ कि मैं उस जगह पे होती तो मुझे कैसा लगता और मैं उसके सोल्यूशन के लिए क्या करती, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम्स को पहले फील करती हूँ, समझती हूँ, फिर सोल्यूशन पे आती हूँ, खुद ट्राई करती हूँ, फिर आपको रेकमेंड करती हूँ। तो इस वजह से मेरी वीडियोज और मेरा और आपका रिश्ता बाकियों से अलग बनाता है। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।